you okay. इस्लाम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे सो so, आज मैं आप लोगों के लिए पोस्ट टाइकन 4S का एक राउंड लेके हूँ इस वीडियो में इस गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर ऑप्शंस की बात की जाएगी ये गाड़ी कहाँ पे अवेलेबल है वो भी आप लोगों को बताई जाएगी और इस गाड़ी की प्राइस भी मैं आप लोगों को बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पेल आइकन मस्ट आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ये गाड़ी आप लोगों को सेवन मोटर स्पोर्ट्स की जी टी रोड वाली ब्रांच पर अवेलेबल होगी इनका कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स आप लोगों को स्क्रीन पर चलते हुए नजर आ रहे होंगे आप इनसे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं और इस गाड़ी की अगर बात की जाए ना हॉर्स पावर एंड टॉर्क की तो सबसे पहले पता तो चलो आप लोगों को ये पोर्स टाइकन फोर ऐसा जो कि 482 हंड्रेड एंड एटी टू हार्स प्रोड्यूस करती है और अगर आप इसको लॉन्च कंट्रोल पे चलाएंगे तो ये 562 हंड्रेड एंड सिक्सटी टू हार्स तक चली जाती है और इसके अलावा बात की जाए ये फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी नाइन पाउंड फीट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है गाड़ी तो इसका मैं आप लोगों को सबसे पहले रुड सो कॉल्ड हुड ओपन करके चेक कराता हूँ तो इसमें आपके पास फ्रंट पे काफ़ी डिसेंट स्पेस मिल जाती है ये प्रॉपर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसकी मोटर्स वगैरह आपको मिलेंगी और फ्रंट पे काफ़ी डिसेंट स्पेस मिल रही है अंडरनीथ द स्किन ये और ऑडी ईट्रॉन जी दोनों गाड़ियाँ सेम हैं बट ऊपर से दोनों गाड़ियों के शेल चेंज है बैटरी पावर सब कुछ सेम है और ये गाड़ी टू स्पीड ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स के साथ आती है अनलाइक टेस्ला जो कि सिंगल स्पीड होती है इसके अलावा बात की जाए हाइड्रोलिक स्टार्ट वगैरह मिल रहे हैं ये इसका एमरजेंसी ट्राइंगल है फ्रंट जो फ्रंक आप इसको कह सकते हैं इसमें भी आपके पास एक एल लाइट दी जाती है दैन आपने यहाँ से इसका जो है विंडशील्ड फ्लड का फिल करना होगा और अब हम इसका हुड क्लोज कर लेते हैं फ्रंट पे आपके पास पोर्श का एम्बलम आ जाता है थे यू गो हेडलाइट्स की बात की जाए तो हेडलाइट्स मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे और इनके डिज़ाइन की बात की जाए ना मैं कहता हूँ मज़ा आ गया एल ई डी मेट्रिक्स हेडलाइट सिस्टम है ये आप देख सकते हैं पोर्च का वेट फॉर अ सेकेंड ओके पोर्च एल ई डी मेट्रिक्स सिस्टम काफ़ी ब्राइट लाइट्स है और फ्रंट के अगर मैं इसको दूर से आप लोगों को दिखाऊँ तो देर यू सी मैं कहता हूँ मज़ा ना आया तो बात करना फ्रंट इसकी काफ़ी एक एग्रेसिव वाइब दे रही है फ्रंट पे आपके पास ये रियल एयरवेंट्स दिए गए हैं साइड की बात की जाए तो मार्कर लाइट्स आपको मिल जाती हैं फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वग़ैरह दिए गए हैं और नीचे आपके पास वेंटिलेशन के लिए डक्ट्स वग़ैरह इसमें मिल जाते हैं और इसके नीचे की बात की जाए तो इसके बाकी एडवांस ड्राइवेज के सेंसर्स वगैरह दिए गए हैं ऊपर भी दिए गए हैं जो कि मैं अंदर चल के आप लोगों को बताऊंगा इसके अलावा बात की जाए तो फ्रंट इसका काफ़ी बल्कि वाइब दे रहा है और ये फेंडर से इसके देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसकी वाइड लुक दे रहे हैं ये तो होगी फ्रंट की बात बैक चेक करो कितनी ज़्यादा वाइड है फ्रंट से ज़्यादा वाइड इसकी बैक है बैक में भी आते हैं बट उससे पहले आप लोगों को इसके रिम्स दिखाता चलता हूँ क्या बात है टू टोन में इसके रिम्स को फिनिश किया गया है मिशलन पायलट स्पोर्ट फोर टायर इसमें आप लोगों को मिल जाता है और अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये ट्वेंटी इंचज़ के होने चाहिए टू फोर्टी फाइव आर ट्वेंटी ग्राउंड क्लेरस देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लो है और एक और ये भी इसका रियल एयरवेंट दिया गया है जो कि प्रॉपर फंक्शन सर्व करता है वेल बॉयस यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है साइड पे और अगर इसकी बैटरीज की बात की जाए तो 93.4 किलोवाट पॉइंट फोर की लिथियम आयन बैटरी है और ये 227 माइल्स की क्लेम्ड रेंज आपको दे सकती है तर इसी तरह अगर हम साइड प्रोफाइल पे आ जाएँ तो आपको 360 व्यू कैमरा की ऑप्शन मिल जाती है और इसके जो डोर हैंडल्स हैं ना वो बॉडी के अंदर होते हैं एक सेकेंड में आप लोगों को गाड़ी को एक दफ़ा मैं लॉक करके दिखाता हूँ की दिखाना भूल गया की कुछ इस तरह की जिस पर लॉक अनलॉक फ्रंक और ट्रंक रिलीज का मिल जाता है बैक पे कुछ इस तरह की की है बैक बिल्कुल प्लेन है और ये साइड पे रबराइज मटेरियल दिया गया है पोस्ट की बेजिंग वेल so, well, मैं आप लोगों को इसके साइड डोर हैंडल्स दिखाते हुए हैं। देख सकते हैं बिल्कुल बॉडी के अंदर चले जाते हैं जैसे ही आप इसके अंदर हाथ डालेंगे या गाड़ी को आप अनलॉक करेंगे तो ये हैंडल्स आपके बाहर आ जाएंगे तो आई थिंक सो के इस वक्त इसकी बैटरी डाउन है जिस वजह से ये देख सकते हैं थोड़ा सा ले ले रहा है बाकी रिट्रेक्टल मेरस हैं विद ये देख सकते हैं बी का फंक्शन आपको मिल जाता है साइड मेरज़ में ऊपर की बात की जाए तो ओवरऑल ये ग्लास ब्लैक में और ये ग्लास रूफ है इसकी और इसी तरह अगर हम बैक पे आते हैं तो इसके बीच में इसका स्पॉयलर हिडन है टाइकन फोर एस की बेजिंग पोर्च और बैक लाइट्स भी आप देख सकते हैं ओवरऑल स्मोकी इफेक्ट के साथ है और बीच में पोर्च की जो लेटर्स से आ रहे हैं इसके लुक को काफ़ी इनहेंस कर रहे हैं रेयर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं आप लोगों और बैक देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वाइड वाइप दे रही है दैन इसके अलावा बात की जाए नीचे जैसे आप आते हैं तो आपको लाइनिंग्स वगैरह काफ़ी प्रोनाउंस मिलती हैं ये बटन दिया गया जिसको प्रेस करके तो आप इसका बूट ओपन कर सकते हैं या फिर आप इसकी की पे ठगे हुए बटन को प्रेस करेंगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा ऑल राइट तो इसमें आपको ऑटो टेल की ऑप्शन मिल जाती है बूट में आपके पास काफ़ी डिसेंट स्पेस मिल जाती है और ओवरऑल कवर्ड है नीचे की बात की जाती है यहाँ पे इसके आपको चार्जिंग के लिए सॉकेट वग़ैरह मिल जाते हैं 12 वॉट आउटलेट आपको बूट में भी दिया गया है और बाकी आप रेयर सीट्स इसकी आई थिंक सो फोल्ड कर सकते हैं देख सकते हैं स्पेस दीजिए आप फोल्ड करके तो बूट स्पेस को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं इसके अलावा टाइट ऑन पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं और अब हम इसका बूट को क्लोज कर लेते हैं आई डोंट नो वाई इट्स नॉट वर्क बट ओके सो अब मैं अंदर आ जाता हूँ बैक साइड से सबसे पहले बात की जाए देख सकते हैं यार इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखो मैं कहता हूँ पांच उंगलियों का सिर्फ फासला है इस मर्ड फ्लैप से तो गाड़ी तो काफ़ी नीचे जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो क्रिप है ना मैं कहता हूँ बेहतरीन होने वाली है और इसके अलावा ब्रेक कैलिपर्स आप देख सकते हो कितने मैसिव ब्रेक कैलिपर्स हैं तो जितनी तेज़ है गाड़ी भागने में उतनी ही बेहतरीन इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी है ओबियसली पोर्स है तो पोर्श की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मैं कहता हूँ अनमेजेबल है बाकी जैसे ही आप बैक साइड से आते हैं तो आपको बोस का साउंड सिस्टम मिलता है ओवरऑल देख सकते हैं हर जगह लेदर पैडिंग वगैरह आपको दी गई है फ्रेमलेस इसकी आपको विंडोज़ मिलती हैं और इसी तरह इंटीरियर की तरफ आ जाएँ तो आप काफ़ी नीचे हो बैठते हैं एक सेकेंड तो आप काफ़ी ज़्यादा नीचे होके बैठते हैं और इसके अलावा बात की है बैक पे आपको एयर वेंट्स दिए गए और आपको ऐसा बैक के लिए क्लाइमेट ऐसी नहीं है सिर्फ फ्रंट के लिए क्लाइमेट कंट्रोल है डिसेंट स्पेस मिल जाती है सीट्स आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रिप करके रखती हैं काइंड ऑफ देखें बैक पे भी बकेट सीट्स वाली वाइब आ रही है इसके अलावा अगर बात की जाए तो ट्विन का पोल्डर्स हैं जो कि वन से कवर्ड नहीं किए हुए और थ्रू लोडिंग के लिए यहाँ पर ये इसका लैस दिया गया आप इसको करके तो बूट को एक्सेस कर सकते हैं बाकी ऐसा फिक्स एंकर पॉइंट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं ऊपर मैं इसकी एक दफ़ा मैं ग्लास रूफ़ आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड ये देख सकते हैं ग्लास रूफ़ आपको कम्प्लीटली मिल रही है यहाँ से एक दफ़ा मैं फ्रंट का व्यू चेक करें मैं फ्रंट साइड पे चलता हूँ और बाकी इसके ऑप्शंस आपको दिखाता हूँ और इसके अलावा ऊपर बात की जाए तो इसमें आपके पास एस आर एस एयरबैग्स मिल जाते हैं बैक के लिए कैबन लाइट्स आपको दी गई हैं फ्रंट का व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रंट पे स्क्रीन से इसक्रीनस दी गई हैं बाकी मैं आप लोगों को फ्रंट साइड पे चल के इसके बाकी ऑप्शन बताता हूँ सो so, मैं ड्राइवर साइड से आ चुका हूँ तो सबसे पहले आप लोगों को टाइगन फोरेस्ट की स्कफ प्लेट मिल जाती है यहाँ पर इसके तमाम विंडोज़ के कंट्रोल्स मेमरी सीट के फंक्शनस हंस सगैन बॉस का साउंड सिस्टम और फ्रंट दोनों सीट्स इसकी आपको विद मेमोरी फंक्शन मिलती हैं और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीट्स हैं इस गाड़ी की आते साथ ही आप बहुत ज़्यादा लो होके बैठते हैं और सीट्स में आपके पास मिलियंस ऑफ कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिसमें इसकी लम्बर सपोर्ट है ये अंडर थाई सपोर्ट के कंट्रोल्स हैं ये देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड अंडर थाई सपोर्ट आपको मिल जाती है सीट में बहुत ज़्यादा आपके पास कंट्रोल्स दिए गए हैं और सिटिंग पोजीशन इसकी मैं कहता हूँ कमाल की है और जब आप फुल लो करते हैं ना तो इट सीम्स लाइक यू आर सिटिंग इन सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स कार और ओके okay. तो कुछ इस तरह का इस गाड़ी का व्यू है और राइट right. तो स्टार्ट स्टॉप आपको ये इसके बैक साइड पे दिया गया है फ्रंट पे जो स्क्रीन है इसकी कव्ड में है और ये ड्राइवर सेंट्रिक है एक चीज़ मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी लट्स पोजी में बैठा हूँ आप ही देख सकते हैं डालस आपको कम्प्लीटली नज़र नहीं आ रहे होंगे जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं स्पीड गेज और साइड पे आपके पास जो गेजेस दी हैं वो आपको कम्पलीटली नज़र नहीं आती बाकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल वगैरह की ऑप्शन मिल जाती है मैं एक दफ़ा मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ तो इस साइड पे आपको तमाम वार्निंग्स वगैरह शो करेगा बीच में आपके पास डिजिटल स्पीड है सामने आउटसाइड स्पीड का शो कर रहा है वेट फॉर अ सेकेंड मैं इसको ओके तो आउटसाइड स्पीड आपके पास सीट बेल्ट वार्निंग्स आउटसाइड टम्परेचर आ गया हेडलाइट्स के कंट्रोल्स आ गए देन आपके पास इस साइड पे ट्रैक्शन कंट्रोल सस्पेंशन एयर सस्पेंशन का आ गया ये ये आपके पास सस्पेंशन की सेटिंग्स आ गई ये ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया यहाँ से आप इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं स्पोर्ट्स एंड देन ओके मैं एक दफा में दिखाता हूँ कि सस्पेंशन के कौन से सेटिंग्स इसमें स्पोर्ट स्पोर्ट प्लस और नॉर्मल और ये इसके एयर सस्पेंशन का कंट्रोल आ गया ये देन ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह की ऑप्शन आ गई ये देख सकते हैं 360 व्यू कैमरा जिसकी क्वालिटी की बात की जाए तो काफ़ी डिसेंट क्वालिटी है ये देख सकते हैं आप और देन पार्किंग सेंसर्स ये साइड व्यू आपका आ गया बैक व्यू आ गया देन यहाँ से आप डिफरेंट अपने व्यूज़ को एडजस्ट कर सकते हैं तो हम इसको क्रॉस कर लेते हैं बाकी बात की जाए तो स्टेयरिंग कॉलम पर आपको देख सकते हैं ड्राइव मोड्स दिए गए हैं एक सेकेंड रेंज नॉर्मल स्पोर्ट स्पोर्ट प्लस इंडिविजुअल नॉर्मल और ये कुछ इसके ड्राइव मोड्स हैं मल्टी मीडिया स्टेयरिंग व्हील है, है दैन बात की जाए ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है अब इसके जो गियर शिफ्टर आपको मिल रहा है ना वो स्टेरिंग के बैक साइड पे क्वाइट अनयूजुअल पोजीशन बट स्टिल आपको ये छोटा सा डायल मिल रहा है जिसमें आप इसको डी में डालेंगे तो गाड़ी रेडी है देन बैक टू पार्किंग हम ले आते हैं ओके ट्रैक्शन कंट्रोल आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो देख सकते हैं स्पोर्ट्स प्लस में शिफ्ट हो गया और हम इसको स्विच ऑन ही कर लेते हैं उसके अलावा स्क्रीन की बात की जाए तो इसमें आपके पास कम्प्लीटली यहाँ पे भी जो मटेरियल दिया गया ना वो ग्लॉस में फिनिश किया गया है और स्क्रीन में आपके पास मल्टीमीडिया की ऑप्शन आ जाती है जैसे फ़ोन कनेक्टिविटी वगैरह आ जाती है अच्छा इसमें एंड्रॉयड ऑटो और प्ले की ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रही तो फोन थ्रू ब्लूटूथ ही कनेक्ट हो रहा है इसमें बाकी बात कीजिए यहाँ से आप इसके मिलियंस ऑफ ऑप्शंस को एडजस्ट कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ ड्राइव मोड्स में आएंगे आप ये देख सकते हैं रेंज नॉर्मल देन श मोड्स में आपके पास तीन हैं यहाँ से आप इसकी एयर सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं क्या आपने लिफ्ट रखना है और इसको मैं लो पे रखता हूँ अब गाड़ी अपनी लोएस्ट सेटिंग पे चली गई है देन यहाँ से ये आई गेस इसका रीजन का आ गया ओके इलेक्ट्रिक साउंड अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं असिस्टेंस में आ जाएँ तो बेसिक असिस्टेंस है पार्क असिस्टेंस है लेन की लेन चेंज असिस्टेंस आपको मिल जाता है तो यहाँ से आपके पास ट्रिप की ऑप्शन आ जाती है और कंफर्ट सेटिंग्स है जिसमें आपके पास ड्राइवर सीट पैसेंजर सीट और एडजस्ट पास ड्राइवर सीट में ऑप्शन देखते हैं हमारे पास हीटेड सीट की ऑप्शन आपको ड्राइवर सीट में मिल रही है और इसको हम बैक ले आते हैं तो ये कुछ ऑप्शंस इसकी स्क्रीन में है दैन नेविगेशन वगैरह आपको मिल जाता है और गॉड ये नेविगेशन आप देख सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान में भी वर्क कर रहा है तो बैक टू होम देन यहाँ से आपकी ए की सेटिंग आ गई ए ऑन ऑफ आप रखना चाहते हैं अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं एक और चीज़ आपको नीचे भी एक स्क्रीन मिल रही है जो कि इसके क्लाइमेट को कंट्रोल करेगी और कुछ चीज़ों को कंट्रोल करेगी जो कि मैं आपको दिखाऊंगा एक अच्छी चीज़ है तो ऊपर ये शॉर्टकट्स बने हुए हैं लेट सपोज आपने म्यूजिक करना है तो म्यूजिक को प्ले करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो फ़ोन कनेक्ट होगा आपका लेट सपोज़ ब्लूटूथ है तो मेरा फ़ोन इस वक्त कनेक्ट है तो ब्लूटूथ की आ जाएगी कॉल सेटिंग्स में आप आएंगे तो आपके यहाँ से सेटिंग्स वगैरह ओपन हो जाएगी जिसमें आप तमाम चीज़ों को सेट कर सकते हैं और राइट right. ये तो हो गया शॉर्टकट्स देन नीचे आपके पास हीटेड सीट की ऑप्शन आ जाती है इसको मैं वन पे रख लेता हूँ यहाँ से आपका क्लाइमेट का आ गया और एक और चीज़ ये है कहने का तो टच स्क्रीन बट जब आप लेट्स सपोज मैं इसको ये प्रेस कर रहा हूँ ना तो ये प्रॉपर आपको एक फीडबैक देता है ऐसा लगता है आप कोई टच बटन यूज कर रहे हैं तो मैं इसको कम पे कर लेता हूँ वन पे ओके okay, सिंक की ऑप्शन आ जाती है वॉल्यूम नॉब नीचे दी गई है और 360 कैमरा की ऑप्शन भी आपको थ्रू दिस बटन ही मिल जाती है विच इज़ वन से अ गुड थिंग कि आपके पास शॉर्टकट्स नीचे दिए गए आपको बार बार स्क्रीन की तरफ नहीं जाना पड़ रहा ऊपर की बात की जाए तो पोर्स का क्रोनो क्लॉक आपको मिल जाता है लग्जरियस होने की निशानी है ओके okay, ऊपर की बात की जाए ट्रोडमिंग तो मेरे वगैरह और इस तरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं अच्छा सन वाइजर्स जो है काफ़ी छोटे हैं बट स्टिल काम सही कर रहे हैं वैनिटी मेर विद लाइट आपको ड्राइवर पैसेंजर दोनों साइड्स पे मिल जाता है और ये देख सकते हैं लेदर स्टिचिंग आपको हर जगह मिल रही है नीचे की बात की जाए नीचे आपको स्पेस मिल जाती है काफ़ी डिसेंट फोन वगैरह आप इजीली कैरी कर सकते हैं देन नीचे भी आपके पास लेदर में ट्रिम्स मिल रही हैं टाइकन की बैजिंग टो इनका पोल्डरस आपको दिए जाते हैं और देख सकते हैं स्टिचिंग आपको यहाँ पर भी कंटिन्यू होती हुई मिल रही है आमरेस्ट में आपके पास यू एस बी सी पोर्ट्स हैं और ट्वेल्व वोट आउटलेट मिल जाता है डिसेंट स्पेस आपको मिल गई है इसी तरह अगर ग्लव कंपार्टमेंट की बात की जाए तो सॉफ्ट पैडिंग ग्लव कंपार्टमेंट में भी आपको मिल रही है और अंडर था सपोर्ट जो है ना वो आपको पैसेंजर साइड पे भी मिलती है सीट्स आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रिप करके आपको रखनी है और इसलिए थोड़ी सी स्टिफ सीट्स हैं आपको यह लग्जरी गाड़ी उस तरह से नहीं है कि आपको सॉफ्ट कंफर्टेबल सीट्स मिलेंगी थोड़ी सी स्टिफ है बिकॉज ये एक स्पोर्टी इलेक्ट्रॉन ई वी गाड़ी आपको मिल रही है दैट्स वाई इसमें आपको थोड़ी सी स्टिफ सीट्स मिलेंगी बाकी पोर्श है यार भागने में तो मैं कहता हूँ बेहतरीन गाड़ी है तो आप चलते हैं इस गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट और प्राइस आप लोगों को बताते हैं ऑल राइट right, एक और चीज़ की अगर बात की जाए तो जैसे आपने इसका फ्रंट बूट खोलना है या रेयर ट्रंक खोलना है तो इसके लिए आपको स्क्रीन में ही बटन दिया गया है विद प्रेस ऑफ दिस बटन आप इसका फ्रंट बूट ओपन कर सकते हैं आपके जो पैसेंजर साइड पर वो डीसी एसी दोनों चार्जर लग सकते हैं और ड्राइवर साइड पे सिर्फ एसी चार्जर आप कंट्रोल कर सकते हैं बाकी ये इसके रेयर स्पॉयलर का दिया गया है विद प्रेस ऑफ अ बटन आप इसका रेयर स्पॉयलर को भी ओपन या क्लोज कर सकते हैं देख सकते हैं ये इसका बूट का आ गया और ये आई गेस इसके बूट के क्लोज का बाकी ऑटो टेल गेट वगैरह तो इसमें है ही है और यहां से इसकी चार्जिंग की आ जाती है एंड देन हम इसको बैक क्लोज कर लेते हैं मेरे बॉय सबसे पहले बात की जाए ये 16,769 माइल्स चली हुई गाड़ी है और अब बाहर चल के मैं आप लोगों को इसका बाकी मॉडल बताता हूँ ये 2020 का मॉडल है और 2020 की जीरो मीटर की इंपोर्ट गाड़ी है तो मतलब टोटली ये गाड़ी पाकिस्तान में ही चली हुई है और इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस की जा रही है वो फोर करोड़ एंड फिफ्टी लैख रुपीज़ की जा रही है सकल मोटर स्पोर्ट्स की जी रोड वाली ब्रांच पे सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ये गाड़ी ख़रीदने में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स दी होगी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं वेल गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़